कोरोना वायरस को लेकर ज्वाली का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। सरकार की एडवाइजरी अनुसार बाहरी देशों से आ रहे लोगों को ट्रेस करके सिविल अस्पताल ज्वाली में आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। SMO ज्वाली डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि उपमंडल ज्वाली में अभी तक बाहरी देशों से आने वाले 31 लोगों को ट्रेस किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को कैटेगरी में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी तक ज्वाली में कोरोना का कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है। सभी बाहर से आए लोगों को उनके घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कोरोना बारे लोगों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव में पंपलेट बांट रहा है और समाज सेवी संस्थाओं को आम लोगों को मास्क व सैनिटाइजर बांटने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं, लोग एहतियात बरतें और मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और सरकार की एडवाइजरी का पालन करें। अभी तक ज्वाली में हमने 31 लोग जो फॉरेन से आए हैं उनको ट्रेस किया है और वो क्वारंटाइन किए हुए हैं, जिनमें से दो लोग, एक छेप भेजा है, एक धर्मशाला भेजा है। तो बाकी लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो पूरी एहतियात बरतें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, कोई ज़्यादा गंभीर दिक्कत है तभी अस्पताल में आए, और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का या जो लॉकडाउन चला हुआ है अपना, उसका भी पूरी तरह से वो पालन करें, भीड़ ना बनाएं, हाथ लगातार साबुन से अच्छे से धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथों से आंख नाक या मुंह को ना छुएं, छूने से पहले हमेशा हैंड वॉश करना ही करना है, या किसी भी चीज़ को छूने से परहेज करें।